नागपुर जिले की रामटेक तहसील अंतर्गत आने वाले देवलापार थाना अंतर्गत एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने से निर्दयता पूर्वक भरे हुए 19 मवेशियों को देवलापार पुलिस ने मुक्त कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के कुरई से 19 मवेशियों को भरकर नागपुर ला रहे ट्रक की गुप्त सूचना देवलापार पुलिस को मिली। पुलिस ने नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दी। नाकाबंदी के दौरान रात 11 बजे एक ट्रक राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 44 में विपरीत दिशा से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने ट्रक चालक को रुकने का इशारा किया, परंतु ट्रक चालक ने ट्रक की गति बढ़ा दी, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक का फिल्मी स्टाइल से पीछा करना शुरू कर दिया। इसी बीच ट्रक चालक ने महामार्ग छोड़ ट्रक को रोड का डिवाइडर तोड़कर सर्विस रोड पर डाल दिया, जिसके कारण ट्रक का आगे का चक्का बाहर निकल गया। इसके बाद भी ट्रक चालक लगभग 200 मीटर दूरी तक बिना चक्के के ही ट्रक चलाता रहा। देवलापार स्थित मां भगवती मंदिर के पास खड़े नागरिकों ने ट्रक की इस हालत को देखकर महामार्ग छोड़कर मंदिर में शरण ली, जबकि पुलिस को नजदीक आते देख ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक में निर्दयता पूर्वक भरे हुए 19 मवेशियों को मुक्त कराया तथा ट्रक सहित कुल 16,90,000 रुपए का माल जब्त किया है। देवलापार पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि सभी मवेशियों को देवलापार गो अनुसंधान केंद्र में भेजा गया है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अजय मेहरकुड़े, रामटेक।